16 प्रदेशों में ये अदानी जो है वो जमीन खरीद चुका है, गोदाम शुरू है। इनका जो ना पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री से, कि कितनी टोकन लिया है, कितना पैसा लिया है इन लोगों से, क्यों इस देश के किसान को, मजदूर को तबाह करना चाहता है, उन पूंजीपतियों से कितना पैसा लिया है चुनाव के लिए, एमएलएस को खरीदने के लिए। अब बंगाल में, आसाम में, 5 प्रदेशों में, तमिलनाडु, केरला में जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए पैसा लिया जा रहा है, उनके लिए जो, और जहां भी जो इलेक्शन होता है, कोई विधायक खरीदने होते हैं तो उनके लिए पैसे लिया जा रहा है। आज इस बात को सोचे कि जो हिंदुस्तान का आज पूंजीपति है वो आज सारा का सारा क्या कारण है कि वो भाजपा के साथ है। भाई जो बात कर रहे थे मोदी जी की, कि भाई किस तरह से, जो चौधरी महेंद्र सिंह चौहान ने, मास्टर जी ने कहा कि भाई जो फोन की दूरी की बता रहे थे कि ना तो पहले 5 दिन में फोन का नंबर बताया, ना आज राज्यसभा में फोन का नंबर नहीं बताया, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सब पढ़े लिखे हैं, अपने जरा अपने जो मोबाइल फोन है उन पे आप ये गूगल पे कहो कि दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको जवाब मिलेगा नरेंद्र मोदी। किस व्यक्ति ने हमारे देश की गरिमा को गिराने का काम किया, इस व्यक्ति ने जिस तरह से हमारे इस देश के जो सबसे जो किसान, मजदूर, गरीब, मेहनतकश आदमी के अरमानों को ध्वस्त करने का काम किया है, इस व्यक्ति को जहां हम जितना भी कंडम करें, लेकिन एक जगह उनको हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इसकी जुल्म और ज्यादतियों के कारण, जो इसके फूट का और बंटवारे का, जो बोरों की राजनीति जो चल रही थी, जो इस देश को हिंदू और मुसलमान के नाम से, दलित और पीड़ित और शोषित, और सवर्ण के नाम से, अवर्ण के नाम से, जाट और नॉन जाट के नाम से, जो इस देश के किसान को, मजदूर को, गरीब आदमी को बांटने की जो राजनीति चल रही थी, आज इसके जुल्म जातियों से आज सारा देश एक हो गया, आज सभी किसान मजदूर एक हो गया है, आज पूरे हिंदुस्तान का हर समुदाय, हर वर्ग, हर जाति आज एक हो गई है। आज ये लोग आज हमें राष्ट्रद्रोह कह के बोलते हैं, राजद्रोही कह के बोलते हैं, खालिस्तानी कह के बोलते हैं, पाक और चाइना का एजेंट बोलते हैं, ये आज राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 1942 में, जब स्वाधीनता संग्राम का आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला था, जिसमें हमारे कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, उस 42 में भी उस स्वाधीनता संग्राम आंदोलन को भारत छोड़ो का इस आरएसएस के लोगों ने विरोध किया था, ये अंग्रेजों की गोदी में बैठे थे। एक आरएसएस का, भारतीय जनता पार्टी का उस समय की जनसंख्या थी, एक आदमी बता दें जिसने इस अंग्रेजों के खिलाफ अपने कोई करने की उंगलियां भी कोई कहीं पे कोई कटवाई हो। इन लोगों ने उस समय अंग्रेजों की गोदी में बैठ करके भारत की आजादी के संग्राम का विरोध किया, और आज ये सर्टिफिकेट बांटते हैं राष्ट्रभक्ति का। और इस बात को कौन कहेगा कि भाई किस तरह से इन लोगों ने, चाहे वो MSP हो, चाहे ये तीनों जो काले कानून है, हमारे बहुत पहले जो चर्चा कर चुके हैं, पर किस तरह से जो जमाखोरी का जो कानून जो 1955 में लाया गया था, जो 1955 में जिसमें कहा था कि अगर जो जमाखोरी करेगा कोई लिमिट से ज्यादा तो उसको जेल की सिंचों में अंदर भेज दिया जाएगा, उस व्यापारी को, उस पूंजीपति को 10-10 साल की सजा हो जाती थी, नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो जाता था। आज इन्होंने अदानी और अंबानी, अदानी जैसे लोगों को कह दिया कि तुम अपने लाखों टन के गोदाम बनाओ, और सारे जो पूंजी, जो सारा जो है किसानों की फसल को लेकर के अपने गोदामों में रख लो। अगर फसल गोदामों में रख के चली गई तो सीधा सा है डिमांड एंड सप्लाई, जो अर्थशास्त्र का नियम है, अगर तुम्हारे पास में माल सप्लाई के लिए काफी है, डिमांड है नहीं, तो मंदा होगा। और अगर तुमने स्टॉक कर लिया, उसको माल है नहीं और डिमांड ज्यादा है, तो वो इसी में महंगाई होगी। तो जो रोज कमाने रोज खाने वाला है, जो मजदूर है, जो रिक्शा चलाता है, जो खेत में मजदूरी करता है, जो बुग्गी जोतता है, जो कहीं भी जो काम करता है मजदूरी का, ये समझ लो कि जो 20 रुपए किलो गेहूं खा रहे हो वो 60 रुपए किलो गेहूं खाना पड़ेगा।
ये है इसका जो है कहते हैं कि काला कानून क्या है, ये मंडी को खत्म करना चाहते हैं। हमारे सर छोटू राम ने 1941 में पंजाब जब जॉइंट पंजाब था आजादी से पहले 1941 में ये मंडी का कानून स्थापित किया था, और इस मंडी की वजह से हमारे कुछ हमारा हरियाणा पंजाब का जो हिस्सा है कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ मंडी है वहाँ किसान की फसल कुछ बिकती है। पूरा कुल जो फसल होती है उसका 6% केवल MSP पर होता है, 94% MSP पर खरीदा ही नहीं जाता। और ये कहते हैं कि बेशर्म आदमी, अरे भाई MSP की लिखित तो क्या कानूनी गारंटी क्यों नहीं देते, लिखित का क्या करें उसका। अगर कानूनी गारंटी होगी कि जो कानून जो MSP से कम खरीदेगा उसको जेल की सलाखों में पीछे जाना पड़ेगा, जिससे उससे राहत मिलेगी। इन लोगों ने जो ये तीनों कानून बना करके उसी अदानी और अंबानी का काम किया है। हमारे जो इस तरह से कह रहे थे महेंद्र चौहान जी बता रहे थे कि मई में जून में तो ये अध्यादेश लाए और मई में ही CLU दे दिया अदानी को। लाखों करीब 2 लाख टन का तो गोदाम जो है इनका कैथल में बन रहा है और 100 एकड़ में नौलथा में लिया है, 100 एकड़ जमीन उन्होंने मतलौडा में ली है और यहाँ भी ये घूम रहे थे 100 एकड़ जमीन के लिए। 16 प्रदेशों में ये अदानी जो है वो जमीन खरीद चुका है, गोदाम शुरू है। इनका जो ने पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री से कि कितनी टोकन लिया है, कितना पैसा लिया है इन लोगों से, क्यों इस देश के किसान को मजदूर को तबाह करना चाहता है, उन पूंजीपतियों से कितना पैसा लिया चुनाव के लिए MLAs को खरीदने के लिए। अब बंगाल में आसाम में 5 प्रदेशों में तमिलनाडु केरला में जो चुनाव हो रहे हैं उनके लिए पैसा लिया जा रहा है, उनके लिए जो और जहां भी जो इलेक्शन होता है कोई विधायक खरीदने होते हैं तो उनके लिए पैसे लिया जा रहा है। आज बात को सोचे कि जो हिंदुस्तान का आज पूंजीपति है वो आज सारा का सारा क्या कारण है कि वो भाजपा के साथ है। जो पूंजीपति है वो भाजपा के साथ, और जहां पूंजीपति है वहां किसान मजदूर की बात हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस आपताई सरकार को सबक सिखाने के लिए इन्होंने कहा जैसे चौहान साहब ने कि इनके जो जो किसान विरोधी हैं, जो किसान विरोधी कानूनों के पक्ष में हैं, उन लोगों को सामाजिक बहिष्कार करो। और खाली MLA और MP और मंत्री नहीं, बल्कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, चाहे वो सरपंच हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर परिषद हो, जो तुम्हारे साथ नहीं जुड़ रहा उसको बहिष्कार करो, जो तुम्हारे साथ नहीं जुड़ रहा उसको बहिष्कार करो।